ये देखिए, लाल बटन है सब्सक्राइब का और बेल आइकन है प्रेस कर दीजिए ताकि आपको बेहतरीन बेहतरीन वीडियोस की सूचना मिलती रहे। जैसे कि ये देखिए, थंबनेल में ही मेंशन कर देते हैं, ये सारे अच्छी अच्छी कंपनियों के बारे में हमने बताया है और उन कंपनियों के बारे में बताते हैं जिनसे आप दूर रहें, जिनमें आपको निवेश से कोई लाभ नहीं होगा। बढ़ते हैं आज का जो स्टॉक है, जो कंपनी है एक बेहतरीन, डॉक्टर लाल पैथ लैब्स लिमिटेड, जो भाव चल रहा है 1,051 रुपया NSE पे, और आज है 2 जुलाई 2019, मार्केट बंद हो चुकी है। और अगर हम मार्केट कैपिटल देखते हैं इनका, तो 8,834 करोड़ की है और ये लिस्ट हुई थी 23 दिसंबर 2015 को, यानी 19 चल रहा है तो 5 साल भी नहीं हुए हैं। पी रेशियो है 44.39 का, अर्निंग पर शेयर है 23.90 की और प्राइस टू बुक है 9.27। डिलीवरी देखिए शानदार है, 61% के आसपास है और डिविडेंड पेइंग स्टॉक है। अगर हम 6 मंथ के रिटर्न्स देखते हैं तो 13.74% के हैं और 1 ईयर रिटर्न देखते हैं तो 14%, यानी करीब 14.5% के आसपास का रिटर्न है। और हम जल्दी से एक इसके 5 सालों के रिटर्न देख लेते हैं जब से लिस्ट हुई है। सपोज़ हमने अगर 1 लाख रुपए लगाए होते 5 सालों, यानी 60 महीने पहले डॉक्टर पथलब्स में लमसम, तो आपका रुपया हो गया 1,27,497 रुपये, यानी 27% के आसपास का रिटर्न है। वहीं पे हमने अगर 3 साल पहले लगाए होते तो हमें 25% के आसपास का रिटर्न मिल रहा है। 1 लाख रुपए लगाए हैं तो 1,25,000 हो गए होते। तो हेल्थ सेक्टर, हेल्थ केयर की कंपनी है, लैब्स है। और पहले हम बता दें कि एक करती क्या है, इसकी वेबसाइट पे हम एक नज़र मार लेते हैं। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो समझने वाली बात है कि आने वाला भविष्य, आने वाला टाइम ऐसे कौन से स्टॉक का, कौन सी कंपनियों का होगा जिसमें हमें मुनाफा ही मुनाफा हो, जिनकी नेट सेल्स रेवेन्यू बढ़ता ही जाए, जिनकी चैन बढ़ती जाए, जिनकी डिमांड्स बढ़ती जाए। हेल्थ सेक्टर हेल्थ केयर से रिलेटेड है। कोई भी डॉक्टर के पास अगर आप जाते हैं, मान लीजिए आपको कोई वायरल फीवर हो गया या मलेरिया हो गया या कुछ भी हो गया काफ़ी लंबे समय से, डॉक्टर ज़रूर इस चीज़ को बोलते हैं कि आप ज़रा ये टेस्ट करवा लीजिए, वो टेस्ट करवा लीजिए। इतनी सारी बीमारियाँ हैं इंसानों के अंदर, तो इस लैब्स का बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर्स भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, वो बीमारी को डिटेक्ट करके ही आपको उस हिसाब से मेडिसिन देंगे। जब ये लैब से आपको प्रॉपर पता चल जाए कि भाई आपको इतने परसेंट ये हुए है, आपको ये हुआ है, आपकी ये बीमारी है, या फुल बॉडी चेकअप है, या जितने ही प्रकार के चेकअप्स आप कराना चाहें बहुत सारे हैं, तो इस तरीके से ये एक डॉक्टर लैब की चैन है। इनकी फ्रेंचाइजी बहुत सारी हैं और इनके बारे में यहाँ विस्तार पूर्वक डिटेल्स में दिया गया है। समय आने वाला जो है, फ्यूचर बीमारियां बढ़ती जा रही, लोगों का ऐसा रूटीन हो गया है, खान पान हो गया है, भाग दौड़ हो गई है, लोग वर्कआउट कम करते हैं, बाहर की चीज़ ज़्यादा खाते हैं, ये कहने वाली बातें, ये हमारे सोचने वाली बातें हैं। तो ऐसे में सिंपल सी बात है कि बीमारियां होंगी तो इनकी सर्विसेज बढ़ेंगी। अब यहाँ पे हम देखते हैं तो वी फोकस ऑन प्रोवाइडिंग पेशेंट क्वालिटी डायग्नोस्टिक हेल्थ केयर सर्विसेज इन इंडिया थ्रू आउट अवर नेटवर्क। वी ऑफर पेशेंट्स कन्वीनियंट लोकेशंस फॉर दैट डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी सर्विस एंड इफिशियंट सर्विस विद ओवर 3,368 डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड रिलेटेड हेल्थ केयर टेस्ट एंड सर्विसेज ऑफर्ड। तो इनकी 3,300 से ज़्यादा टेस्ट लाइब्रेरी हैं, लैब्स हैं। और इस तरीके से ये आप समझ गए होंगे एक ही लाइन में कि क्या करती है। धीरे धीरे इनका एक्सपेंशन हो रहा है और ये अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं कई माध्यम से। उनकी वेबसाइट पे बहुत चीज़ें अवेलेबल हैं, जो लोग फ्रेंचाइजी लेना चाहें। ऑलरेडी ये एक्विजाइट कर रहे हैं, अधिग्रहण कर रहे हैं बहुत सारी छोटी छोटी, जो छोटे छोटे शहरों में लैब्स हैं उनको भी ये ले रहे हैं। इस प्रकार से एक्सपेंशन इनका चल रहा है। अब हम यहाँ पे बेसिक कुछ देखेंगे, फंडामेंटली फंडामेंटली पहले हम देख लें कि मार्केट प्राइस देख चुके हैं, बुक वैल्यू 104 की है।
रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय है एक शानदार 37.82% की है और रिटर्न ऑन इक्विटी भी ज़बरदस्त है 24.64 की है। और स्टॉक का जो पी हम देख ही चुके हैं, सेल्स ग्रोथ देखिए 3 ईयर्स का अगर एवरेज है तो 17% के आसपास है और फेस वैल्यू अभी भी 10 की है। और 52 वीक जो लो बनाया था इसने 1180 का और सॉरी 50 हाई था 1180 का और लो बनाया था 813 का। चलिए हम बेसिक और देख लेते हैं। अगर हम इनके जून सितंबर दिसंबर मार्च 19 यानी 4 क्वार्टर देखते हैं फाइनेंशियल ईयर 2019 के, तो जहां जून में 18 में 292 करोड़ की नेट सेल्स थी, सितंबर 18 में हो गई 317 की ग्रोथ है, दिसंबर 18 में अगेन 292 करोड़ की हो गई, थोड़ी सी डाउन साइड है बजाय सितंबर के, और वही मार्च 19 में बढ़ के हो गई 301 नेट सेल्स 301 करोड़ की। सीधे हम इसके करके अगर हम नेट प्रॉफिट पे आते हैं तो जहां जून 18 में थी 49 करोड़ यानी कि 50 करोड़ के आसपास, वहीं सितंबर 18 में हो गई 57 करोड़ के आसपास, दिसंबर 18 में हो गई 46 करोड़ के आसपास, वहीं क्वार्टर फोर में हो गई मार्च 19 में 47 करोड़ से ज़्यादा की। तो क्वार्टरली नेट प्रॉफिट ज़बरदस्त है। और अगर हम कर्ज़ा देखते हैं इस कंपनी पे तो टोटल डेट है ज़ीरो और टोटल इनकी जो एसेट्स है 951 करोड़ की है। अब हम प्रमोटर्स की भी होल्डिंग देख लेते हैं। प्रमोटर्स की होल्डिंग है 56% से ज़्यादा की यानी कि 50% के ऊपर की है, तो एक शानदार होल्डिंग है प्रमोटर्स के पास से जाए, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। पब्लिक में अगर हम जाते हैं तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं करीब करीब 41.89% के आसपास, तो ये भी अच्छी चीज़ है। और म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग भी शानदार है, यूटीआई इक्विटी फंड्स यहाँ पे हैं, यूटीआई इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान है, फ्रैंकलिन की है स्कीम्स, और मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड्स की है। तो म्यूचुअल फंड्स की भी ज़बरदस्त होल्डिंग है, फॉरेन FIIs की भी है, डोमेस्टिक की भी है, और प्रमोटर्स के पास भी अपनी उनकी खुल की ज़बरदस्त। और अगर हम उनकी कॉम्पिटिटिव कंपनीज़ देखते हैं तो सन फार्मा है, सिप्ला है, डॉक्टर रेड्डी लैब्स है, डिवाइस लैब्स है, पिरामल एंटरप्राइजेस है। तो ये है। अब एक यहाँ पे देखो सेंटीमीटर मीटर में बताया गया है कि सेल 100% कॉल है, पर मुझे लगता है कि जो लंबे समय के निवेशक हैं और हेल्थ केयर सेक्टर में रुचि रखते हैं, जिनको लगता है कि हमें भले ही धीरे धीरे या आने वाले समय में, जैसे देखिए चाहे फार्मास्यूटिकल्स का हो चाहे हेल्थ केयर का हो, सब में थोड़ा सा इस समय दबाव तो है ही, बहुत अच्छा प्रदर्शन तो नहीं कर रही हैं, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग कंपनियाँ जिनका बिजनेस अच्छा है जिनका मैनेजमेंट अच्छा है उनको तो ग्रोथ करना ही करना है चाहे आज या कल। तो इस तरीके से जिन लोगों को रुचि हो ऐसे स्टॉक्स में थोड़ा थोड़ा निवेश करते रहें, आने वाले समय में हमें ऐसा लगता है जिस प्रकार से इनका बिजनेस मॉडल है वो बेहतरीन होगा, इनकी मार्केट कैप बढ़ेगी, इनकी रिटर्न ऑन इक्विटी और ज़बरदस्त होगी, तो आपको भी अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है। डॉक्टर लाल पथ लैब्स लिमिटेड। फ्रेंड्स यहीं पे मैं अपना वीडियो वाइंड अप करूँगा, बने रहिए हमारे साथ, हम नए वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।